फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी की एक ऐसी रेसिपी है जो आज तक पहले आपने नहीं देखी होंगी। ये बहुत ही बढ़िया स्टाइल में बनने जा रही है और बहुत ही इजी है। तो इसकी खास बात यही है कि बहुत झटपट बन जाएगी और आपको इतनी पसंद आएगी कि आप हफ्ते में दो बार बनाए बिना नहीं रह पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है कुकर। कुकर के अंदर मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, या फिर आप रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो। फिलहाल मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। तो इसी के बीच में थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं। खड़े मसालों में जैसे कि ज़ीरा, दालचीनी, गोल मिर्च, और यहाँ पे ले लिया है दो लौंग और एक इलायची ले लिया है। तो यहाँ पे जैसे ही तेल के अंदर मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो उसी के साथ मैंने डाल दिया है चिकन। तो चिकन है हाफ़ के जी चिकन को मैंने धो के अच्छे से पानी निकाल दिया था, और जैसे ही मैंने तेल के अंदर डाला और इसको अच्छे से फ्राई करना है, और इतने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो आप देख रहे हो तेल और खड़े मसाले के बीच में जब चिकन की बुनाई हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई है कि मैं इस बिरयानी के अंदर प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। और जैसे कि आप बाहर रेस्टोरेंट के अंदर प्याज बिरयानी खाते हो ना, सेम उसी तरह से उसकी बिल्कुल ही टेस्ट आने वाला है। तो आप रेस्टोरेंट के अंदर जब बिरयानी खाते हो तो वहाँ पर आपने कभी नोटिस किया है कि आपको खाली बोटी नज़र आती है और या फिर चावल? आपको कहीं भी प्याज टमाटर नज़र नहीं आएंगे। तो सेम उसी तरह से ये बिरयानी भी बना रही हूँ। तो अब देखिए, चिकन को मैंने ऐसे अच्छे से भून दिया है और अच्छे से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी के इस बीच में मैंने डाल दिया था लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची डाल के मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया था, उसको भी मैंने उसके साथ अच्छे से भून लिया है। तो भूनने के साथ ही अब मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटर। इसके अंदर 5-4 टमाटर मैंने अच्छे से डाल दिया है। तो यहाँ पर टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। तो जैसे ही भुनेगा, तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से भुनेंगे तो यहाँ पे चिकन हाफ बारह आधे से ज़्यादा कुक हो चुका है। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमको क्या करना है, इसको अच्छे से भुनने के साथ ही अब हम थोड़े से डाल देंगे इसके अंदर मसाले। तो मसालों के बीच में हमने सबसे पहले डाल देना है रेड चिली पाउडर, और यहाँ पर थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी पाउडर, और डालेंगे धनिया पाउडर, और यहाँ पे नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये डाल दिया है नमक, और नमक अब इन सबको अच्छे से कर देंगे मिक्स, और मिक्स करने के साथ ही एक बार थोड़ा सा डाल देंगे पानी, ताकि ये जो मसाले हैं पानी के अंदर अच्छे से मिल जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने मसाले भी डाल दिए, और अब मैं इसको अच्छे से चला देती हूँ। फ्रेंड, चलाने के साथ ही जैसे ही मैंने मसाले डाले हैं, इसका आप कलर देख सकते हो, ठीक इसी तरह से आप भी इसका इसी तरह से बनाइएगा। तो यहाँ पे हमारा चिकन भी बन के अभी रेडी हो गया है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा मैं और बनाऊँगी। तो फ्रेंड देखिए मैंने क्या किया, अब इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डालूँगी। तो पानी डालने के बाद इसको फिर मैं बंद करूँगी। बंद करके इसको एक सीटी ज़रूर दिलवानी है फ्रेंड्स। एक सीटी दिलवाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ चिकन, और जैसे ही सीटी आए इसकी भाप को हम निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए एक सीटी दिलवाने के बाद ही मैंने कुकर को खोला, और ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया है और चिकन आधे से ज़्यादा हमारा पक गया है। तो अब यहाँ पे मैं एक बार हल्के से इसको ऊपर से चला के दिखा देती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स। और ना अब क्या करेंगे फ्रेंड, इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। तो चावल जो है ना, पहले से ही मैंने आधा घंटा फुला के रख दिया था। हाफ के जी चिकन के लिए 2 ग्लास चावल इनफ होते हैं। तो यहाँ पे अब मैंने चावल को अच्छे से धो लिए थे, और मैं इसके अंदर अब मिक्स करके चला दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लग रही है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, आपने देखा कितनी जल्दी चिकन बन गया। और यहाँ पर मैं डालने जा रही हूँ चावल। चावल डालने के बाद आप नमक एक बार टेस्ट कर लेना, क्योंकि चावल में जब पानी आता है नमक थोड़ा सा कम हो ही जाता है। तो आपको अपना नमक चेक कर लेना है। और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं सारे चावल, और चावल डालने के बाद ही अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी। तो पानी आप इससे 2 इंच ऊपर रखोगे, जैसे कि आप नॉर्मल चावल बनाते हैं, नॉर्मल पुलाव बनाते हैं उसी तरह से है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है पानी, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और ना अब इसको बंद करेंगे, और इसके अंदर सिर्फ़ 2 सीटी दिलवाऊंगी, और 2 सीटी दिलवाने के बाद सीधा भाप को निकाल देना है। तो यहाँ पे इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, चिकन बिरयानी के अंदर चिकन मसाला डालना ऑप्शन है, अगर डाल दीजिएगा
तो भी अच्छा है, नहीं डालिएगा तो घर का मसाला भी चल सकता है। तो यहाँ पर डाल दिया है चिकन मसाला और नमक भी एकदम परफेक्ट है, मैंने चेक कर लिया है। तो अब मैं इसको चलाती हूँ एक बार और अब इसको कर दूँगी बंद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसको बंद करके एक सीटी दिलवानी है और फिर लास्ट टेस्ट दिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि ये है केवड़ा वाटर, और केवड़ा वाटर के 4 ड्रॉप आपको डालना है इसके अंदर, क्योंकि जब बाहर आप बिरयानी खाते हो रेस्टोरेंट के अंदर, वहाँ उस बिरयानी में एक अलग से खुशबू आती है, वो यही होती है फ्रेंड्स, केवड़ा वाटर की खुशबू होती है। और केवड़ा वाटर डालना बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है बंद और अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 सीटी के बाद। तो यहाँ पे आ गया है 2 सीटी, 2 सीटी करने के बाद ही मैंने भाप को निकाल दिया था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक बार जूम करके दिखा देती हूँ और फिर मैं प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। और देखिए बन के तैयार होगी बिरयानी। इस तरह की बिरयानी बनाइएगा तो पूरा घर खुशबू से चहक उठेगा और खाने के अंदर इतना स्वाद लगेगा कि आप बार बार बनाइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे बन के तैयार होगी बिरयानी। और ये देखिए मैंने डाल दी एक हरी मिर्ची, बारीक बारीक काट के इसके ऊपर से डाल देनी है। और यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको बिरयानी। तो फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो मैं मिलती हूँ कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।